वेलकम टू गणित गुरुजी गणित वीडियो लेक्चर में सबका स्वागत है। क्लास 11 की कक्षा से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें मैं केसीसी ना मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाने वाला हूं, इसमें बेसिकली मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जो आपकी सरकारी किताब है, जो टेस्ट बुक है, उस किताब को हम लोग पढ़ेंगे हिंदी मीडियम में और ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करके धीरे 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 इसमें कुल 16 चैप्टर हैं, उन 16 चैप्टरों को धीरे धीरे हम खत्म करेंगे। और आप लोग अभी 10th पास करके आए हुए हैं, तो आपसे बस यही अनुरोध करूंगा कि जब भी वीडियो देखें कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें। उससे क्या होगा कि आपका नोट्स तैयार होते चलेगा और आपकी पढ़ाई थोड़ा रूप से चलेगी, ठीक है। रही बात अब ये ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने का मतलब मकसद क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री को पहले से भी पढ़ा हुआ है। इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट और बिल्ड हो जाएगा और आप इसे आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट, त्रिकोणमिति जो शब्द है यानी कि ट्रिगोनोमेट्री, ये बेसिकली तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइगोनो और मेट्रॉन। देखिए समझते हैं, ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है यह तीन तरीके से मिलकर बना है, तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई गोनो मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब है भुजा और मेट्रॉन का मतलब है मापना, मतलब तीन भुजाओं को मापना। और तीन भुजाएं किसकी होती हैं? त्रिभुज की होती है। किसकी होती हैं? त्रिभुज की होती हैं। जब त्रिभुज की भुजाएं होती हैं तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, तीन भुजाएं जब त्रिभुज की होती है तो ट्राइगोनोमेट्री बेसिकली बेस्ड है त्रिभुज पर, या त्रिभुज में ही बेस्ड है। और इस ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग बहुत से जगहों को किया जाता है। आपने कभी देखा होगा समुद्र का ज्वार भाटा को उठते हुए, उनकी लहरों को नापने के लिए कितनी ऊंचाई है ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग किया जाता है। एक व्यक्ति जो है छत पे खड़ा है और दूसरा व्यक्ति जमीन पे खड़ा है और जमीन से वो उस व्यक्ति को देख रहा है, और वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे को जब देखते हैं और कुछ डिस्टेंस हमको मालूम होता है, हम तुरंत बता देते हैं कि उस जो इस बिल्डिंग पे वो खड़ा है उस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, चाहे उन दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी है, यह ट्रिग्नोमेट्री बताता है। यहां तक कि हम इस पृथ्वी पे खड़े हैं और हम मून को देख रहे हैं यानी चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा के पास कितनी दूरी पे एक सिक्का रखें अपनी आंखों के सामने कि वो चांद पूरी तरह से छिप जाए, यह भी ट्रिग्नोमेट्री ही बताता है। तो बेसिकली बहुत ही मजेदार चैप्टर शुरू होने जा रहा है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, तीन भुजाओं को मापने वाला त्रिभुज, त्रिभुज से बना ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब भाई ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिभुज है, त्रिभुज है तो किस कैसे मापेंगे? क्या भुजा मापना है? नहीं, भुजा तो है ही, त्रिभुज से बेसिकली बना। अब इसमें एक शब्द आता है जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, वह है एंगल। क्या है? एंगल यानी कि कोण, कोण। एंगल को हम मापेंगे कैसे, एंगल को मापेंगे कैसे, कोण को मापेंगे कैसे, और कोण होता क्या है इस बारे में जानेंगे। मान लीजिए कोई एक किरण है, किरण। अच्छा, किरण और रेखा किसे कहते हैं यह समझिएगा,
अगर ऐसे दिया हुआ रहे ये रेखा बनेंगे दोनों तरफ जाएगा, और किरण बोले एक तरफ इसका एरो दिया रहेगा, ठीक है। तो कोई किरण है, किरण का एक पॉइंट है जिसे हम शीर्ष कहते हैं, शीर्ष, और इस किरण से इससे एंटी क्लॉकवाइज एक और किरण को हम खींचते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एक और किरण को जब खींचते हैं तो इनके बीच जो जगह बचता है उसे हम कहते हैं कि यह कोण है। क्या है? कोण है। क्या है? ये कोण है। इस बिंदु को बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, शीर्ष, जो एंटी क्लॉकवाइज बना वह कौन है? अच्छा, कौन है? कोई स्टूडेंट कह सकता है कि सर ऐसे भी तो हो सकता है, क्या आप इधर ही लेके जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहे हो, बामावर्त लेके जा रहे हो, बामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, और ये दक्षिणावर्त भी जा सकते हैं। ये शीर्ष, ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, इधर से तो ये भी तो कोण बना, जाहिर सी बात है यह भी कोण है और यह भी कोण है, यह दक्षिणावर्त जाता है, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। अब अगर सर किसी को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है? तो बेसिकली चाइनीज स्टूडेंट हमारी जो घड़ी होती है, गला कुछ बैठ गया है, हमारी जो घड़ी होती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, और जब घड़ी ऐसे चलती है तो घड़ी की उल्टी दिशा में चलो, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा, ऐसे कौन बना? और क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है वैसे चलो, तो क्लॉकवाइज इसको हिंदी में दक्षिणावर्त, इसको बामावर्त कहते हैं। अच्छा, तो यह कोण होता है। अच्छा, जब ये हो जाता है, ये शीर्ष, ये प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक भुजा, इस भुजा का वर्णन करेंगे, भुजा। अच्छा, जब ये सब कुछ हो गया तो भाई सब जगह कोण नहीं ना कह सकते हो, ये ऐसा कोण हो गया, वैसा कोण हो गया, कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा ना, आपका भी कुछ नाम होगा, ठीक है। तो ये कोण को कैसे निरूपित करेंगे? कोण को बेसिकली बहुत सारे नाम दिए गए हैं, निरूपित किससे करते हैं? मापने की प्रणाली तो अलग अलग है, पहले निरूपित कैसे करते हैं? कोण को थीटा भी कहा जाता है, थीटा कहा जाता है, अल्फा कहा जाता है, बीटा कहा जाता है, गामा कहा जाता है, ठीक है, फाई कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? थीटा, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, इस क्लास में भी आप लोग पढ़ेंगे, थीटा बोलते हैं, थीटा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते। अब देखिए, जैसे कोण है तो कोण को मापने के लिए भी तो कुछ विधियां होंगी, तो पहली विधि, दो तीन विधियां हैं, जैसे सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, ये सेंट बता रहा है कि सौ से कुछ रिलेटेड होगा, सेंट परसेंट सुना है ना आपने, परसेंट पढ़ा होगा, सेंट बताता है कि सौ से कुछ रिलेटेड होगा, सौ से क्या रिलेटेड होगा? देखिए, जब एक समकोण को सौ बराबर भागों में बांटा जाता है,
100 बराबर भागों में बटा जाता है, पता नहीं कितने भागों में, जब 100 बराबर भागों में बटा जाता है तो उसका जो एक भाग होगा उस भाग को ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेड। एक ग्रेड कहते हैं। तो एक संपूर्ण बराबर, एक समकोण कितने बराबर भागों में बटा? 100 भागों में। एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, कितना? 100 ग्रेड। एक ग्रेड बराबर होता है, इसके बारे में जानिए, ज्यादा नहीं जानना है, इतना ही जानना है, इसलिए इतना ही बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं। एक ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट। 100 मिनट इसको ऐसे लिखते हैं, 100 पे 1 डैश, इसको 100 मिनट पर, ठीक है, 100 मिनट। और 1 मिनट बराबर होता है 100 सेकेंड। 100 सेकेंड। अब ये मत बोल रहे सर हमने तो 1 मिनट में 60 सेकेंड सुना है, 60 सेकेंड सुना है, इसमें थोड़ा सुना है, सेंटिसिमल सिस्टम में थोड़ा सुना है। एक ग्रेड बराबर 100 सेकेंड, इसको क्या लिखेंगे? 100 के ऊपर डबल डैश, 100 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बोलते हैं, दूसरा है ब्रिटिश सिस्टम या अंग्रेजी पद्धति। अंग्रेजी पद्धति इसमें एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, इसको डिग्री से मापा जाता है, ग्रेड से नहीं, डिग्री से, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये सबको पता है, आप लोग नए हैं, आप लोग भी पता होना चाहिए, ये 10th क्लास में पढ़ा है हमने। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, एक डिग्री बराबर 60 मिनट, एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो स्टूडेंट सबसे तीसरा रेडियन सिस्टम, रेडियन के बारे में पता जानिए, रेडियन क्या होता है। रेडियन परिभाषा लिखिएगा, रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त इसको बोल सकते हैं इकाई त्रिज्या की वृत्त, ऐसी वृत्त इकाई त्रिज्या की वृत्त, त्रिज्या की वृत्त के केंद्र पर उसके त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा बनता है। क्या मतलब है इसके कहने का? देखिए, मेरा तो वृत्त है कि अंडा बन जाता है। ये इसका सेंटर हो गया, इसका त्रिज्या ये हो गया, यहां से हमने त्रिज्या खींचा जो आर त्रिज्या है, और यहां से जब चाप काटेंगे, लो जी चाप भी काट दिया, ये भी आर है, और जो चाप काटा कितनी लंबाई का? त्रिज्या की लंबाई का, ये भी आर है, और इसको यहां से मिला दो, मिल गया, तो ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। तो जब ये जो थीटा कोण बनेगा, यह 1 रेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। ये थीटा जो बनेगा क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। रेडियन वह कोण है जो इकाई त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा बनता है। ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर,
तो ये जो थीटा कोण बना यह एक रेडियन का कोण बनेगा, थीटा बराबर एक रेडियन, रेडियन को वन का पावर सी से निरूपित करते हैं, ठीक है, एक रेडियन। अच्छा ये तो गया। अब इस पूरे वृत्त में कितने रेडियन का कोण बनेगा ये सॉल्व होता है, इस पूरे वृत्त में कितने रेडियन का कोण बनेगा। तो उस सवाल के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में और जानना है। ये तो रेडियन हो गया, अब बात करते हैं पाई की। पाई के नाम से परिचित है, 22/7 या 3.14, अभी तक यही जान रहे थे, आप कुछ नया जानेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। पाई क्या है? पाई का मतलब होता है किसी वृत्त के परिधि, किसी वृत्त के परिधि और उसके व्यास का अनुपात। वृत्त के परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। पाई पे तो एक पूरी किताब ही है। आप लोग अगर चाहते हैं पाई के बारे में ज्यादा नॉलेज, मार्केट से बुक परचेज कीजिए, पाई पूरी किताब ही है। इसके इसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है, यानी कि पाई बराबर हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि बटा उसके व्यास का अनुपात। व्यास कितना है, आर डी बोलते हैं ना, डी टू आर बोलते हैं ना, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, बोल सकते हैं। अच्छा देखो तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि पाई इंटू टू आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, टू पाई आर। अरे वृत्त की परिधि आ गई पाई की परिभाषा से, पाई की परिभाषा से वृत्त की परिधि आ गई। खैर वैसे वृत्त की परिधि का सिंपल सा फंडा समझिए, वृत्त की परिधि एक्चुअल में होती क्या है, कोई एक बिंदु को पकड़िए, यहां पे एक डंडा गाड़िए और एक रस्सी लीजिए, रस्सी लेकर उस वृत्त के चारों तरफ घूम जाइए, कोई एक बड़ा सा सर्किल है, बड़ा सा वृत्त है, तो जब घूम के वापस आइएगा और इसी पॉइंट पे आइएगा, जाने के बाद उस जो भी आपने रस्सी लिया है उसको सीधा कीजिए, लो भाई सीधा कर दिया, इसकी जितनी लंबाई होगी वही वृत्त की परिधि होती है और उसका फॉर्मूला ये होता है। अच्छा बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए जैसे मान लीजिए एक वृत्त है और एक रेडियन का हमने यहां पे कोण बना दिया और ये वृत्त बना दिया, आर आर ये आर, ए ओ बी, इसको मैं सी मान लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए ये कितना एक रेडियन का कोण बना हुआ। हम ज्योमेट्री से जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको आप 10th क्लास के ज्योमेट्री से आप पढ़िए, ताकि 10th 9th जब जहां वृत्त दिया हुआ है, वृत्त के कोणों का अनुपात, वृत्त के
कोणों का अनुपात, वृत्त के कोणों का अनुपात बराबर होता है उनके संगत चापों के अनुपात के, संगत चापों का अनुपात के। जैसे वृत्त के कोण कौन कौन से हैं जी, देखिए तो AOB कोण AOB बट्टा कोण AOC, मैंने इन्हीं दो कोणों को लिया है पूरा ये कोण, उनके संगत चापों का अनुपात, पहला चाप कितना है R और दूसरा चाप देखो तो पूरा आधा सा लिखिए ना, यानी कि परिधि का आधा कर दे 2 पाई आर बट्टा 2। क्लियर। कोण AOC का मान है 1 रेडियन और कोण AOB का मान है 1 रेडियन और AOC का मान है लीनियर पेयर बनाया ना, रैखिक युग्म बनाया ना, कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो इस 2 को उधर भेज दो, 2R बट्टा 2πr, 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, यानी कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बराबर 1 बट्टा πr। ये एक रिजल्ट बन के आया और इस रिजल्ट से हमको ये पता चला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, यानी कि इस 180 डिग्री को मापा मैंने, इस 180 डिग्री को मापा तो कितना रेडियन बना, पाई रेडियन बना। तो एक बार और घूमेंगे 180 तो पाई रेडियन हो गया, यानी कि वृत्त के, वृत्त का संपूर्ण जो कोण होता है, संपूर्ण कोण, संपूर्ण मतलब क्या, पूरा एक राउंड लगाने पे जो कोण बन रहा है पूरा 180 360 होता है ना, 180 में पाई, यानी पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2π, और ये 2π किसके बराबर होता है जी, 180 डिग्री के बराबर होता है, सॉरी 2π किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है, तब ना पाई बराबर 180। ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया हम लोग, पाई रिजल्ट अच्छा। इससे एक चीज और पता चली, पाई बराबर 180 डिग्री जैसे भी है किसी वृत्त के चाप त्रिज्या तथा केंद्र पर बने कोण से संबंधित, ये आज की लास्ट शेडिंग होगी। मान लीजिए कोई एक वृत्त है, इस वृत्त में कोई 1 रेडियन का कोण बना हुआ है, आर 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 1 रेडियन का कोण बना है, तो एक दूसरा कोण भी बना है जिससे थीटा एंगल बनता है सी। ठीक है, देखते हैं। तो अभी के जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि AOB बट्टा कोण AOC बराबर चाप R बराबर इस पूरे चाप को क्या मान लो, L मान लो, L कोण AOB कितना है, 1 रेडियन है, AOB कितना है, 1 रेडियन है, AOC कितना है, कोण AOC थीटा है, और R बराबर कितना है, L, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो L अपॉन R। यानी किसी वृत्त का कोण कितना होता है जी, किसी वृत्त के, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, चाप की लंबाई बट्टा त्रिज्या, या याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के लिए जितनी जरूरत थी उतना मैंने आज पढ़ा दिया, आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, 11th क्लास की पहली क्लास है ये, पहली क्लास में अब ये देखना है कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर समझ में आता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा पहुंच पाए। कल से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।